देखा जा सकता है कि कैसे पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए सर पर दरवाजा लेकर के भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मनीष जी, मैं बता दूं, ये जो कल जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ था, पुलिस जब दबिश देने गई थी तो ऊपर से महिला और कुछ लोगों ने ऊपर से पथराव कर दिया। अपने बचाव के लिए वहां पास में रखा दरवाजा, जिसमें आप वीडियो में साफ देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिसकर्मी अपनी जान बचा रहे हैं, दरवाजा ऊपर से पत्थर बरसते हैं, जो दरवाजा है उससे बचाव हो रहा है और जो पुलिसकर्मी है सब अब सुरक्षित निकले हैं दरवाजे के सहारे। कोविंद, अभी कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या अभी भी आरएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं? जी मनीष जी, मैं बता दूं, लगातार यहाँ भारी पुलिस बल मौजूद है और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस उन लोगों की भी दबिश कर रही है। जी गोविंद, यहाँ पर 200 लोगों को, उनके ऊपर अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या उन्हें चिन्हित किया गया है अभी तक, या फिर उनके ऊपर गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई की गई है? जी मैं मनीष जी बता दूं, 17 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो 200 लोग हैं जो अज्ञात हैं उन्हीं की निशानदेही पर सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। जी गोविंद, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन सभी लोगों से की जाएगी, इन सभी दोषियों से की जाएगी। क्या अपडेट है उस पर? जी मैं आपको बता दूं, जो लगातार पुलिस है दबिश दे रही है, पूरी रात दबिश चली है घरों में और पुलिस ने लगभग 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और 200 लोग हैं जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है और दबिश देकर सबको गिरफ्तारी कर रही है। जी गोविंद, अगर यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर भी हमला किया गया था। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम यहाँ पर पहुंची थी लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर भी हमला किया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों में काफी आक्रोश है। स्वास्थ्य कर्मियों का यहाँ पर कहना है कि वो सैंपल लेने के लिए घर पर नहीं जाएंगे। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी मनीष जी, मैं बता दूं, जो स्वास्थ्य कर्मी के जो डिप्लोमा फार्मिस्ट के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा है कि हमारी जो टीम है वो घर घर नहीं जाएगी, केवल जो प्रशासन है और पुलिस है वो उनको लेकर आएगा, उसके बाद हम जांच करेंगे। वो डोर टू डोर किसी के घर जांच करने नहीं जाएगी, साफ उनका आदेश वो आज से लागू कर दिया गया। जी अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है गोविंद पूरे मामले पर? जी मनीष जी, मैं बता दूं, अभी तक जो है लगातार पुलिस दबिश दे रही है और सबकी गिरफ्तारी कर रही है और आरएफ जो है रूट मार्च कर रही है और लगातार जो है क्षेत्र में जो है मतलब निगाह रखी हुई है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर कोरोना से